नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे इस खास कार्यक्रम में हर शहर प्राइम रिपोर्टर में, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे शहरों से लेकर कस्बे तक, सौगात से लेकर अपराध तक की बड़ी खबरों से, जिन पर हमारी पैनी नजर है। रिपोर्टर बताएंगे अपने अपने जिलों का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम का। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। विभांशु हमारे साथ, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम विभांशु से जानेंगे लखनऊ की आज की क्या कुछ बड़ी खबर है। विभांशु, लखनऊ की आज कुछ क्या बड़ी खबर है? लखनऊ की तीन बड़ी खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि कल ईद के त्योहार है और साथ ही साथ परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है। तो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ त्योहारों में सौंदर्य न बिगड़ सके, इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशांत किशोर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम एवं जो विद्युत विभाग है उसको निर्देश दिए गए हैं कि बिजली देने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ नगर निगम को पानी के प्याऊ एवं जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो काम करते हैं तो उनको सफाई की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया की जो टीम है उत्तर प्रदेश की, उसको एक्टिव किया गया है कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भ्रमावक पोस्ट देखे या धर्म विरोधी या ऐसे कुछ सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने वाले तो उनसे कार्रवाई को लेकर आज प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया टीम को एक्टिव किया है। साथ ही साथ 45 PSC की कंपनियों को तैनात किया है। साथ ही साथ 7 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है जिससे त्योहार लोग सही ढंग से मना सके। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ की दूसरी खबर में तो जहां एक तरफ बीते हफ्तों में स्कूली छात्रों को कोविड पॉजिटिव आने की खबर आ रही है, जहां विभिन्न स्कूलों से बच्चों के कोविड संक्रमित होने की खबरें आई, तो वहीं लखनऊ के माउंट कोर्ट स्कूल में आज 26 लोगों की कोविड पॉजिटिव आने की खबर आई है, इसमें से 20 छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा के अंदर में एक हड़कंप मच गया है, क्योंकि विगत हफ्ते अगर देखा जाए तो स्कूली छात्रों के बीच कोविड का जो संक्रमण है उसके स्तर में बढ़ोतरी देखी जानी है और स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट भी हो रहा है। वहीं अगर तीसरी खबर से आए तो आज सूबे के अगर देखें तो प्रमुख विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव आज मोहनलालगंज गए, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की मूर्ति का अनावरण किए और उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता लोकतंत्र का सिपाही था। और वहीं आपको बताएं कि उन्होंने मीडिया बाइट के दौरान वहां बोला कि जो ब्रिजेश पाठक के तमाम हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, राजधानी चाहे बात की जाए KGMU चाहे लोहिया, तो वहां की जो हालत लचर उन्होंने देखी इससे बेहतर, इससे खराब और कहीं हालत है तो गांव की है, उस पर भी नजर डालना चाहिए। जिसके जवाब में आज केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया कि अखिलेश यादव के चुनाव में मिली हार को जी बिल्कुल बिल्कुल विभांशु। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रवीण से जानेंगे गाजियाबाद का हाल। प्रवीण, क्या कुछ बड़ी खबरें गाजियाबाद से सामने आ रही हैं? त्रिशला, आपको बता दूं गाजियाबाद की तीन बड़ी खबरें हैं। जैसे कि आपको बता दूं सुबह से ही 24 घंटे के भीतर जो कोरोना संक्रमण मरीज निकले थे 34 बताए जा रहे थे। कहीं ना कहीं दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद जो कहीं ना कहीं यहां जो संक्रमण बढ़ने का खतरा है लगातार जारी है। और बात करें कि जो दर है जो मतलब कोरोना का जो घट रहा है मामला वो 40 बताया जा रहा है अभी तक। और बात करें एक बड़ी खबर और है जो कि जिला प्रशासन ने खासतौर पे जो यहाँ के जो कप्तान है खासतौर पे उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि कल ईद है, ईद को लेकर काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है यहाँ पर खासतौर पे गाजियाबाद के अंदर में। वहीं हम बात करें तीसरी खबर की तो तीसरी खबर कनावली गाजियाबाद से, जहां पर अचानक ही एक बैंक्वेट हॉल के अंदर में आग लग जाती है और आग इतनी विकराल रूप ले लेती है कि कहीं ना कहीं पूरे बैंक्वेट हॉल को अपने चपेट में ले लेती है। और आग पे काबू पाने के लिए वहां पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद बुलाई जाती है मौके पर, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उसको काबू पाया जाता है। जी जी
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका गाजियाबाद की खास खबरों के लिए। तो हमारे संवाददाता लखनऊ और गाजियाबाद से जुड़े थे, और दोनों शहरों से जो एक सिमिलर बात निकल करके सामने आई है वो कोरोना से जुड़ी हुई सामने आई है। कोरोना के केसेस बढ़ते हुए जा रहे, लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां स्वास्थ्य महकमे द्वारा की गई है। उसके बावजूद भी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना लोगों को डराने लगा है, कोरोना से लोगों को डर लगने लगा है। कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से हिदायत दी जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें, मास गैदरिंग की जगहों पर अगर जाए तो खास प्रिकॉशन के साथ जाए। दो शहरों से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह का हालचाल कोरोना का है, और कोरोना जो है वो बढ़ने लगा है, और बढ़ते कोरोना से लोगों का डर भी बढ़ने लगा है। जिस तरह से पिछली तीन लहरों में लोग परेशान हुए, अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लोग दौड़ते भागते चीखते चिल्लाते और रोते बिलखते नजर आए, एक भयावह जो सीन, एक भयावह तस्वीर जो सामने निकल करके आई थी वो बेहद ही डराने वाली थी, और लोग उससे खासा डरे हुए हैं। ऐसे में जब लगातार जिलों से कोरोना की खबरें सामने आ रही हैं, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो लोगों का डर भी बढ़ रहा है, लोगों का खौफ भी बढ़ रहा है कि अगर कोरोना की अगली लहर आती है तो किस तरह से लोग इसका सामना करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल उठकर सामने आता है वो भी आता है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इस बार कोरोना महामारी अगर आती है तो उसको झेलने के लिए, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य महकमा रेडी है, हॉस्पिटल्स के बेड कितने रेडी हैं, ऑक्सीजन की तैयारियां कितनी। हालांकि लगातार जो प्रशासन है उसकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा चुके हैं और जो पूरी तैयारियां हैं हॉस्पिटल में वो पूरी है। सबसे पहले सबकी शुरुआती जो कोशिश है वो यही है कि लहर आए ही ना अगली, अगर आती भी है तो उससे लड़ने के लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा तैयार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हॉस्पिटलों के औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में दवाइयां, जो डॉक्टर की लापरवाहियां हैं, सबको लेकर औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं। वो लगातार खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। वही खबर फर्रुखाबाद से है, जहां संविलियन प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने जहर देकर प्रिंसिपल रामकिशोर को मारने का आरोप लगाया है। वही इस मामले पर मृतक की पत्नी का कहना है कि मृतक रामकिशोर राजेपुर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात करते हुए उनके घर गए और नाश्ता किया, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल वापस अपने घर पहुंचे वहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर वो बेहोश हो गए, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उनको सीएचसी भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या कुछ और जानकारी है इस खबर पर? बताना चाहूंगा कि इस खबर पे जानकारी मिल रही है कि वहां पर इस मामले में उनके मृतक के पुत्र के द्वारा नामजद लोगों के साथ वहां पर तहरीर दी गई, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एससी एसटी का मामला होने की वजह से इस मामले की जांच स्वयं जो सीओ अमृतपुर अजय शर्मा है उनके नेतृत्व में की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा वहां पर। अब जो है कि एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां से वो उनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं कह सकते हैं कि परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल में उनको नहीं लाया गया, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि जब परिजन सबको घर ले जाते हैं तो
केस पुलिस नॉर्थ में पहुंचती है और वहां पर सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजती है। अब पुलिस इंतजार कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के, क्योंकि उसके बाद ही साफ हो पाएगा क्या घटनाक्रम रहा, कैसे उनकी मृत्यु हुई। क्योंकि जो परिजनों का आरोप है वो लगाया जा रहा है कि जिन लोगों के वो शाम को गए थे कुछ खाने के लिए, उन लोगों ने कोई जहरीला पदार्थ उनको खिला दिया है। लेकिन ये बात तभी साफ हो सकती है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहां पर आए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ऐसा हो पाएगा कि क्या मामला वहां पर है। जी बिल्कुल सुंदरम फर्रुखाबाद से और कौन सी बड़ी खबर सामने आ रही है? जी बताना चाहूंगा कि अभी जो कोतवाली कायमगंज के जवाहरगंज मोहल्ले के निवासी प्रदीप सक्सेना, जो कि हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष हैं, उनको इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन की तरफ से उनके घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा करके जान से मारने की धमकी दी गई। उसमें कहा गया है कि अगर वह अजान के विरोध में जो उन्होंने अभियान चला रखा था कि अजान के ऊपर जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उन पर उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी दिया था, उसको लेकर वह 7 दिन के अंदर अगर संगठन इस्तीफा नहीं देते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से उनको बीच उनके चौराहे पर उनका सर काट कर उनको लटकाने की धमकी वहां पर दी गई है। सुंदरम इसकी खबर के प्रशासन को दी गई, अगर प्रशासन को दी गई तो प्रशासन इस पे किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? जी बताना चाहूंगा कि उस मामले पर जो प्रदीप सक्सेना है उन्होंने जो जानकारी मिली है कि उन्होंने कोतवाली कायमगंज में जाकर तहरीर दी है। वहीं जब प्राइम टीवी की टीम ने इस मामले पर कायमगंज सीओ से बात की तो उन्होंने इस मामले पर अनभिज्ञता जताई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम। संवाददाता सुंदरम फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जो जहर देने का मामला प्रिंसिपल को सामने आया है, उसमें पोस्टमार्टम किया जा चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही यह सामने हो पाएगा कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल को जहर दिया गया है, कुछ काम के लिए वो बाहर जा रहे थे, उसके पहले किसी के घर पर उन्होंने चाय नाश्ता किया था जिसमें उनकी पत्नी ने यह खेद जताया है कि उन्हें खाने में कुछ मिलाकर दिया गया था, कुछ नशीला या फिर कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। वहीं इस खबर पर पुलिस ने जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अब यह पता चल पाएगा कि किन कारणों की वजह से मृत्यु हुई है। फिलहाल पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। फर्रुखाबाद से जो दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो खबर लाउडस्पीकर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से लाउडस्पीकर का जो मामला है, जो विवाद है, वो पहले महाराष्ट्र से उठकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पूरे देश में जिस तरह से फैल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का भी मामला जुड़ाने लगा है, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर कई बड़े हिंसा भी हुए हैं। लाउडस्पीकर के चलते कई गुटों में मारपीट भी सामने आई है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये निकल करके सामने आ रही है कि ईद के मौके पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाया जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से लोग नमाज अदा कर सके, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से लाउडस्पीकर का बयान लोग दे रहे हैं, लाउडस्पीकर को लेकर नए नए मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डरा रहा है और कहीं ना कहीं एक तरह का हिंसा भी लाउडस्पीकर के मामले को लेकर भड़क रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि फर्रुखाबाद में पुलिस किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करती है। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के नमक फैक्ट्री में सरकार के आदेशों पर पलीता लगाया जा रहा है, पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की मिली भगत से स्टारडम रेस्टोरेंट में हुक्का बार चल रहा है, जहां नाबालिग बच्चों को खुलेआम नशे का शौकीन बनाया जा रहा है, जो नाबालिग है उन्हें भी खुलेआम हुक्का सर्व किया जा रहा है, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया है, हुक्का बैन किया गया है, उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार कानपुर के इस रेस्टोरेंट में खुलेआम बच्चों को, नाबालिगों को नशे का शौकीन बनाया जा रहा है, यह बेहद ही निंदनीय है। एक तरफ जहां लगातार उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो नाबालिग है उनके उन्हें नशे की चपेट से बाहर किया जाए, उन्हें नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके, जिसको लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह के नए नए नियम कानून भी लाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ये रेस्टोरेंट्स है इसमें खुलेआम जो हुक्का है वो सर्व किया जा रहा है। स्टारडम रेस्टोरेंट कानपुर में है जहां पर हुक्का बार चलाया जा रहा है, खुलेआम हुक्का सर्व किया जा रहा है, ये बेहद ही निंदनीय कृत्य है। वहीं इस घटना का पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में जो बात निकल करके सामने आती है वो यह आती है कि क्या इस तरह के वीडियो पर प्रशासन किस तरह का एक्शन ले रहा है, यह वीडियो अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा है तो प्रशासन किस तरह से इस पे कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इस तरह तो खुलेआम जो नौनिहाल है, जो नाबालिग है, उन्हें नशे का शौकीन बनाया जा रहा है। बच्चे खुलेआम नशे के शौकीन हो रहे हैं। कानपुर का यह हुक्का बार बिना किसी प्रशासन के डर के जो नाबालिग है उन्हें हुक्का शर्ब कर रहा है। संवाददाता धीरज कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जो खबर, वही हमारे संवाददाता लखीमपुर से इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे उनसे क्या कुछ बड़ी खबरें लखीमपुर से सामने आ रही है। बता दूं लखीमपुर खीरी में जो किसानों की समस्या, सबसे बड़ी किसानों की समस्या है इस समय जो फसलें, जो है पानी की सबसे ज्यादा समस्या है किसानों को। जो किसानों ने जो पावर कनेक्शन करवा रखे है सिंचाई के लिए, टेबल लगवा रखे है, तो 24 घंटे में दो दो घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। जो दो घंटे बिजली मिल भी रही है वो एकदम लो वोल्टेज आती है। आप देख सकते हैं ये सो पीस बने खड़े हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, किसान के खेत पर किसान भी मौजूद है यहाँ। और लखीमपुर खीरी में अन्य भी समस्याएं हैं किसानों की, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। और लखीमपुर की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, तो अभी लखीमपुर में कल का जो मामला है अभी सामने आता है, फूल में सीएससी में जो एक युवक पहुंचा था कोविड का टीका लगवाने, उसे रेबीज का टीका लगा दे। तो स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में हर जगह पे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। जी धीरज, जो किसानों की समस्या है उस पे किसानों ने क्या किसी उच्च अधिकारी से बात की, अभी उन्हें कोई ज्ञापन सौंपा? देखिए बिल्कुल लखीमपुर खीरी के जो जितने भी लगभग ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने 1076 पर बराबर शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन जो उनकी जन सुनवाई की बात अगर की जाए तो वहां पर जो क्षेत्रीय खंड विकास अधिकारी हैं वहां से रिपोर्ट बराबर जो गलत रिपोर्टें भेजी जा रही हैं कि निस्तारण कर दे। लेकिन किसानों से अगर हमारी बात होती है तो किसान दिन पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात अपने खेतों पर रहकर फसलों को बचा रहे हैं। हमारे साथ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी खेतों से ही आए हुए हैं अपनी फसल बचा करके, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं उनकी। हमारे साथ देखिए ये किसान है जो अभी खेतों पर ये मौजूद है, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? जानवर वाली बहुत समस्या है, सब खेत चले जा रहे हैं, इतनी अच्छी फसल है, रात दिन में सब बचाना पड़ता है। अच्छा, आपने पावर कनेक्शन भी करा रखा सिंचाई के लिए, कैसी बिजली आती है, क्या दिक्कत है? बहुत कम बिजली आ रही है, दो महीने से नहीं आ रही है बिजली यहाँ। जी दो बिल्कुल आ रही है, धीरज, हमने समझी नहीं आ रही किसानों की समस्या, हमें पता चला कि किसानों की क्या कुछ समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी की जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है वो किसानों की है। किसान लगातार पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा था, अब जिस तरह बिजली की समस्या से किसान जूझ रहा है, पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है खेतों की सिंचाई के लिए, एक बेहद ही बड़ा जो समस्या है वो किसानों के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद आवारा जो जानवर है, आवारा जानवरों का भी एक जो परेशानी है वो अलग ही समस्या खड़ा कर रहा है किसानों के सामने। ऐसे में किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं अपने फसल को बचाते हुए।
ऐसे में सबकी नजरें सरकार की योजनाओं पे है कि सरकार किस तरह की योजना लाकर किसानों की मदद करती है। गरीब किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है अपनी फसल को पैदा करने के लिए, पालता पोसता है अपने बच्चों की तरह अपने फसल को, लेकिन बाद में अगर कोई छुट्टा जानवर आकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचा दे तो उसके लिए ये बेहद ही दुखद बात होती है। ऐसे में सबकी नजरें सरकार की तरफ ही है कि क्या कुछ योजनाएं किसानों के लिए लाई जाती है, क्या कुछ और आपने सुना कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों की अपनी एक खास समस्या है। हम अपने इस खास शो में आपको हर जिले से जुड़े जो बड़े खबर है, जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी परेशानियां हैं जनता की, उससे आपको रूबरू कराते हैं। और लखीमपुर खीरी से जो बड़ी समस्या निकल के आई है वो किसानों की निकल करके सामने आई है कि ट्रांसफार्मर तो खड़े है लेकिन बिजली की कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद जो और इसी कड़ी में संवाददाता ब्रजेश ओझा हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है? त्रिशला जी, अगर हमीरपुर की बात करी जाए तो आज हमीरपुर की तीन अहम खबरों में सबसे पहले खबर आती है कि आज भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री जो है साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ हमीरपुर पहुंची है और यहाँ के पार्टी पदाधिकारियों सहित यहाँ के जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करते हुए यहाँ की क्या कुछ कमियां हैं, यहाँ क्या मुद्दे हैं, ये सब तमाम सारी चीजों को जानने का प्रयास किया है। इसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति बांदा के लिए यहाँ से रवाना हो गई है। और अगर बात दूसरी अहम खबर की करी जाए तो यहाँ अभी कल जो है राज्य मनोहर लाल पंत दो दिन के दौरे पर हमीरपुर आए थे, उन्होंने भी यहाँ की जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ पे के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें समाधान करने का जो है यहाँ के अधिकारियों को आश्वासन दिया है। जी, हमीरपुर की बड़ी खबर की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि हमीरपुर की क्या कुछ बड़ी समस्याएं हैं। गोरखपुर की क्या कुछ अहम खबरें आज की सामने आ रही हैं? हिमांशु, गोरखपुर की क्या कुछ अहम खबरें आज की सामने आ रही हैं? गोराबार में 25 तारीख को अभी हुआ था, उसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी गई है पीड़ित परिवार को। ऐसे में सफाइयों का सीधे स्पष्ट कहना है कि 70 लाख की राशि उनके जो है परिवारजन को दी जाए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बेलघाट थाना क्षेत्र में जो है गैंगस्टर के वांछित मुजरिम को जो है 25,000 का इनामिया बदमाश था, उसको मुठभेड़ में पुलिस ने गोली मारी है और उसके पैर में गोली लगी और जिला चिकित्सालय में किया गया है भर्ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, गोरखपुर के अहम खबरों से हमारे जो ऑडियंस है उनको रूबरू कराने के लिए। संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि गोरखपुर की क्या कुछ अहम खबरें हैं।
वहीं मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर से जो अहम खबर निकल करके सामने आई है वो ये निकल करके सामने आई कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो भी वहाँ के लोग हैं उनके मदद के लिए हमेशा आगे रह रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो उसकी मदद के लिए उन्हें धनराशि भी दिया जा रहा है। तो हमने आपको बताया अलग अलग शहरों से अलग अलग समस्याएं, अलग अलग लोगों की जो समस्या है, जो बातें हैं और जो बड़ी खबरें हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग जिलों की। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम हर शहर प्राइम रिपोर्टर में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।